<laughs> बसमान रही के साथ वेलकम करते हैं आपको उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक और आपको पता है ईद का डबल डोज देने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को दोबारा इन्वाइट किया क्योंकि आपने कहा कि जी एक ऐसी पर्सनैलिटी आई थी जिनको हम चाहते हैं दोबारा देखना और जाहिर सी बात है आपका जो पिछली पॉडकास्ट का जो रिव्यू था वो इतना ज़्यादा अच्छा आया हमें इतना फीडबैक इतना जबरदस्त आया तो हमने उनको दोबारा बुला लिया अनम सोफी वालेकुम वालेकुम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ईद मुबारक खैर मुबारक और ईद की माशाला दोबारा करने के लिए आप वापस इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप दोबारा आ गई और हमारे व्यूवर्स को आपने जो है वो अपना दीदार दोबारा से बख्श दिया कितनी प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह मैं आ जाती हूँ और बस छा जाती हूँ आ गए थे छा गये तो बहुत प्यारी लग रही ऐसे ड्रेसअप करने का मौका मिलता है वरना तो हम नॉर्मल कपड़ों में पहनते रहते हैं यू नो लूज एंड शर्ट्स तो आज मैंने सोचा कि ईद के चार चांद लगाने के लिए आपके सेट पे भी एक खुद ही चल के चांद आ जाता है क्या बात क्या बात महफिल को सजा जाए ताकि देखने वाले भी खुश हो जाए और लुत्फ अंदोज हो जाए। हो गई। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं एज यूज आप हमेशा से मुझे प्यारी लगती हैं और आपका जो एक पर्सनैलिटी का जो एक कहते हैं ना और आपका जो बड़ा चमकीला बड़ा एक मकनतीसी मकनतीसी और रोशनी हाँ, मैं एक light. Light. हाँ, और मुझे सबसे पहले ये बताए कि रमजान कैसी गुजरी है आपकी रमजान बहुत अच्छे गुजरे जैसे की आपको पता है की हम इबादतें करते हैं रोजे रखते हैं क्लेंस करते हैं बॉडी को डिटॉक्स करते हैं लेकिन दुख होता है जब रमजान चले जाते हैं क्योंकि हार्ड ट्रुथ है लेकिन हम कहीं ना कहीं उस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते जितना हम रमजान में कर पाते हैं लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है हम करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बाद भी कर सकें लेकिन इतना स्केज बिजी होता है कि नहीं कर पाते बट हाँ रमजान बहुत अच्छे थे डाइट पे बहुत अच्छा काम किया मैंने और पहले से ज्यादा आप काफी लूज करके आएंगे जो पिछली पॉडकास्ट थी जो हमने की थी लुक हु आप आप भी मुझे लग रहे हैं बहुत स्मार्ट मैं तो हम तो फाके वाले लोग हैं <laughs> हम तो गरीब लोग हैं हमारा क्या हम तो वो कहते हैं यार डाइटिंग करो मैंने कहा नहीं

ये एक्चुअली बहुत संजीदा टॉपिक है क्योंकि वो अब खुशी वो जॉय प्लेजर रहा ही नहीं जो बचपन बचपन में में था में मैं एक समझती है कि हम प्लेजरेबल लाइफ जी रहे थे अब हम प्रेशरेबल लाइफ जी रहे हैं ठीक है हम प्लेजर से प्रेशराइज होते जा रहे हैं जिंदगी में और आई फील कि एवरी इज इन हरी बट स्टिल नो बडीज ऑन टाइम सही बात है बहुत अच्छी बात कोई जल्दी में लेकिन वक्त पे फिर भी कोई नहीं है क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं अब वो बचपन वाली सोचे नहीं रही हो ना बेफिक्री वाली लाइफ कोई टेंशन नहीं कोई फिक्र नहीं बिल्स पे करने हैं लाइफ में ये अचीव करना है उसके साथ कंपटीशन करना है वो कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं तो ये बचपन की ईदों का एक जो स्वाद था ना एक चस्का था एक सुरूर था लज्जत थी वो वो मज़ा आप कहीं गायब हो गया है अब बड़े होने के बाद जो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं समझदारी जब हम छोटे थे तो हमें बड़े होना था अब हम बड़े हो गए तो हमें छोटे होना है वो वो मज़ा नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट लेकिन फिर भी ईद है जो साल में दो बार आती है छोटी ईद का अपना मजा है बड़ी ईद का अपना मजा है तो बस गुजर जाती है देन फैमिली से आप थोड़ा आगे पीछे होते हो तो वो बांध भी नहीं रहती दोस्तों से तो यहाँ अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं पाकिस्तान में ही फिरती कैसा मतलब दुबई में रमजान गुजारना कैसा रहा रमजान अच्छा लेकिन वो रौनक है वो दस्तर खान महफिला मस्जिदों में जाए वहाँ की भी माशा आपको पता है तो बहुत रौनक होती है मजा आता है मैंने बहुत सारी इफ्तार मैंने जाके रमजान में की दस्तरखान पे लोगों के साथ वो बहुत मजे की चीजें जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मस्जिदों में हम औरतें जाके नहीं कर सकती ये एक बेस्ट पार्ट है जो मैं मेंशन uh, करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो मैं कि नमाज भी मैं पढ़ती हूँ अक्सर मस्जिद में जाके वेमेन का एक्सेप्टेड पार्ट होता तो है और इतनी जो जो। बड़ी उनकी होती है सेटअप uh, के बहुत अच्छा लगता है देन ईद ईद की बात करूँ तो ईद बहुत क्योंकि आपके अपने देर आए दुरुस्त आए और बड़ा अच्छा यकीन करें जब भी आपके साथ मुलाकात होती है और आप स्पेशली सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए आई मुझे इसके लिए ज्यादा खुशी है हालांकि ये एक ऐसा हमारी फैमिली का हिस्सा है कि जब हम गपशप भी कर रहे थे अपना शो

एक बड़ी मेरी फेवरेट लाइन है कि व्हेन यू आर हंग्री एक्सपैंड एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे मैं बात कर रही यू एक्सपेंड एक्सपैंड दिमाग योर सोच कि मेरे अंदर हंगर है मुझे कैसे भी करना है तो वही ना आपकी दिमाग ज्यादा चलता है, 10x है exactly, exactly. तो इसलिए अच्छा मुझे ये बताएं कि जल्दी दौर हमारा चेंज हुआ yes. पिछली इदो में हम देखते थे जब हम छोटे थे तो हमें हम बोलते थे अंकल ईदी दे दो अंकल ईदी दे दो नानू ईदी दे दो दादू ईदी दे दो सब ईदी दे दो और अब टाइम इतना जल्दी से चेंज हो गया अब हमें कर रहे पीछे से छोटा होता तो है आप? मैं तो अभी भी बच्चों, मैं लोगों से पैसे मांगती हूँ मुझे दे दो। तो, ये तो, एक तो ये भी दो होता है ना हमारे साथ ऐसा नहीं है ना हम तो बस निकले बेटा बड़े हो क्या मतलब ईदी नहीं मिलेगी मैं तो अभी बच्चों से टॉफिया छीन के खा लेती

करते रहते हैं तफरी देने की बात कर रही है देने से आता है है। भाई की बात हो रही है। <laughs> नहीं अगर कोई बच्चा आ जाए इतफाक से वही ना दुबई में अगर ईद गुजरे तो कोई बच्चों से ऐसा इतफाक होता नहीं यहाँ पे अगर कोई आ जाए मिलने वालों में से मिलने वालों ऐसे ये रस्ते में मिलने वाले अपने खानदान दोस्त ईद की सबसे खास बात क्या लगती है आपको नए कपड़े पैसे ईद ही मिलती है सबसे स्पेशल मुझे ये लगता है कि जैसे कि हम एशियन गर्ल्स हैं तो इस तरीके से ड्रेस अप होना और आई एम अ वेरी फैशन एडिक्टेड पर्सन तो मुझे ये इस तरह के कपड़े पहनने का मौका स्पेशली ईद पे मिलता है दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट ईद बाकी लोग मिलते हैं घर के खाने और यू you नो know, एक आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है ये एक थोड़ा स्पेशल पार्ट है ईद का टू बी ऑनर्ज लेकिन ड्रेस आज काफी जबरदस्त शानदार पहना है ओ यस ये मेरी यहाँ पे अच्छी दोस्त हैं और जानने वाली भी हैं और मैं उनसे ड्रेस स्पॉन्सर करवा के लाई हूँ उन्होंने मुझे दिए तो मैं ज़रूर प्रमोशन कर दूँ उनके ड्रेस की क्योंकि ड्रेस वाकई काबिल तारीफ़ है ऐसे uh, ड्रेस उनके ब्रांड का नाम है और सीमा रुबाब जो डिज़ाइनर है उनका नाम है आप उनको इंस्टा पर उनके सोशल पेजेस पर भी ढूंढ सकते हैं और अगर कपड़े चाहिए तो ले सकते हैं फ़िलहाल मैं एफ़िलिएट नहीं करी तो कोई लिंक नहीं है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा वही नहीं वाकई बहुत अच्छे अच्छा ड्रेस है बड़े अच्छे से आप इसको कैरी कर रही हैं और देखिए ईद हमारी सही कहा आपने कि जैसे ईद की अपनी एक एक्साइटमेंट होती है कि जी ईद आ रही है जी शॉपिंग हो रही हैं मार्केट लग रही है लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं ईद की सबसे खूबसूरत बात ये भी होती है कि जो आप मुझे लगता है जो ईद का जो एसेंस होता है वो ये होता है कि जी गिले शिक्वे मिटाना हाँ कर माफ़ करना माफ करना प्यार करना एक दूसरे से

अब माफ़ करने से अपने अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस सा पैदा होता है आप ख़ुद फील करोगे कि मैं आप यू you नो know, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता इनफैक्ट आपकी इज़्ज़त सामने वाले की नज़र में और ख़ुद की भी नज़र में बढ़ती है अगर आप ये फ़ील करें हम शेर खोरमा कैसे भूल गए हाँ शेर खोरमा तो वाकई एक ऐसी अम्मा के हाथ की एक ऐसी यादें हैं खैर हमारी तो अम्मा बेचारी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें बहुत बेहतरीन वो हमारी ईदें होती थी और अम्मा के साथ एक बड़ा प्यार होता था बड़ी मस्ती करते थे हम स्पेशली बॉयज़ का एक होता है अम्मा के साथ कनेक्शंस तो वो वाकई एक अलग ही लेवल होता है और अब जिनकी अम्मा है वो तो उनको मैं यही कहूंगा ख्याल कर लो ख्याल रखो बिल्कुल बड़ा ये ऐसा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से जो अनकंडीशनल लव इसको कहते हैं ना जो वाहिद लव होता है वो माँ का होता है तो उनका उनको प्यार करें ईद को उनसे ज्यादा प्यार करें वैसे तो मैं कहता हूँ अपनी माँ से तो उतना प्यार करें माँ से भी करें और दूसरी माँ का भी ख्याल क्या करें दूसरी माँ तो देखिए वो तो चलो एक ऐसा है ना कि चले कुछ कंडीशंस आ जाती है दूसरी माँ में है, yes. तो मैं उन माँ के बारे में कह रहा हूँ देखिये वो माँ की भी एक अलग अपनी रिस्पेक्ट है, उसको शादी करके बेचारी को आश्रय में जी हम करेंगे शादी तो पॉइंट ये है की देखे जो हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे बड़ों की बात कर रहे थे जी खानदान है आपस में ईद का मजा जैसे आपने कहा दुबई या हम कहीं और जाते हैं तो अपनों के बगैर जो ईद है वो काफी फीकी फीकी सूखी सूखी और मजा नहीं आ रहा होता तो रिलेशनशिप इसीलिए तो अल्लाह ने बनाया है खूबसूरती इसी लिए तो है कि हम जाते हैं मामू दाया दादा दा, दादी सबसे मिलते हैं दोस्तों से तो ही मज़ा आता है यस दैट्स द ब्यूटी ऑफ ईद ईद और ईद की और बड़ी सारी कुर्बानियाँ किस बात एक बहुत सारा एक रिवॉर्ड आपको दुण। मिलता दुण। है ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से कि जब आप तीन तीस दिन जो आप अपना सेक्रीफाइस करते हैं भूख को प्यास को जो हम रमज़ान में नॉर्मली हम जो बात करते हैं रमज़ान में जैसे कि हमने जो ये रोज़े रखे होते हैं हमने जो ये जवात दी होती है हमने कुछ अच्छे काम किए होते हैं तो हमने वो सैलरी डे होता है हमारा जी, आप है है जो ना ऊपर से कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो ईद yes. में जितना हो सके खुशियाँ मनाए और तो लड़ी, हम ग्लो भी कैसे भूल सकते हैं इतने रोजे रख के जो हमारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है वो सिर्फ रमजान की वजह से ही आता है क्योंकि इतनी बॉडी अंदर से क्लैनस हो रही होती है और आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी इस सिस्टम के लिए बनाई गई है अगर हम सोचते हैं कि हम अपना रोजा मिस कर देते हैं तो लेकिन वो जो रोजा रख के आपको सवाब तो अपनी जगह लेकिन आपकी बॉडी जो प्योरिफिकेशन हो रही होती है अंदर ऑर्गेनिकली वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तो रोजे बिल्कुल नहीं मिस करने चाहिए रखने चाहिए बिल्कुल सही बहुत अच्छा मैसेज दिया अनम आपने और जिस तरह आप गपशप में एक बड़ा जबरदस्त अपना एक माहौल बनाती थी तो मैं चाहता हूँ कि एक हम भी एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ उसके बाद हम एक एक सेशन लगाते हैं एक छोटी सी गेम खेलूंगा मैं आपके साथ इरशाद की फरमान वो, वो फरमाना यही कि मियाँ बीवी अब मैं ईद पे मियाँ बीवी से ये कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि मियाँ बीवी भी ईद पे जो है ना वो एक दूसरे से बड़ा मोहब्बतों का मुजाहरा करें जो हम यूजुअली लोगों को यही देखता हूँ कि वो शादी के बाद वो बात नहीं रहती <laughs> तो उस पर एक जोक आया वो एक एक हस्बैंड होता है उसकी बेगम काफ़ी सेहतमंद होती है ओके तो वो एक रात कहता है बेगम मुझे मेरे सवाल का जवाब देना कहती है क्या कहता है तुम्हें क्या लगता है इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मरना चाहिए तड़प तड़प के एक साथ ही अचानक मर जाना चाहिए तो कहती है मुझे लगता है कि एक साथ ही तकलीफ़ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है एक बार भी मर जाए तो वो कहता है, अपनी दूसरा पाँव में मेरे पे रख दूंगी <laughs> <वाले। laughs> तो बैठ पे लेटा हुआ, एक उसकी गर्दन <laughs> तो कहता है, मुझे बताओ कि तड़ 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 के मरने से हाँ। बेहतर है कि एक बार मरू यानी एक, एक बार अच्छा। तो हाँ। मेरी गर्दन पे रखियत को यही खत्म करो मुझे तो ये तो जनरली हमने एक मारा है चुटकुला तो अगर मैं एक गेम है मैं खेलना चाहता हूँ मैं अक्सर जो मेरे गेस्ट आते हैं जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ खेलता हूँ एक मॉडल हैं तो मैं चाहता तो हूँ वो गेम में आपके साथ भी खेलू और वो उस गेम का नाम है ए बी सी डी गेम ए बी सी डी जी एच हाँ ए से मैं बात करूंगा बी से आपने जवाब देने सी से मैं बात करूंगा तो उसको हम जुमलो में बात करेंगे, करेंगे. Okay, तो, आज ईद है छोटी ईद अच्छी लगती है बड़ी ईद देखे दोनों ईद अच्छी लगती है दोनों का एक जिंदगी है उसमें अगर दोनों ईद मिल जाए तो वाकई अच्छा होता है फालतू कामों से अच्छा है कि इंसान ईद की खुशी को अच्छे से इंजॉय करे और उसकी जॉय को ज्यादा बढ़ाए अपनों के साथ बिता के गुजार के गुमनाम जिंदगी ना गुजारे वो ज्यादा अच्छा है वाकई अनम ने सही कहा कि अपनों के साथ गुजारे हाँ आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूँ कि ईद के साथ साथ जो भी आप अपने लोगों के साथ घूमते हैं उसके अलावा खुद को भी वक्त देना ना भूलें क्योंकि आप भी उतनी जरूरी है जितने के बाकी लोग इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बने और ऐसे दिखें लोगों को कि वाकई लोग बोलें यार क्या पर्सनैलिटी है जी हाँ जैसे कि मैं कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं ले इनको लगता है कभी कभी मैं तो बचपन ही से अच्छी बातें कर रही हूँ मुझे आपकी बातें हमेशा अच्छी लगती ना 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 पूरी दुनिया को मेरी बातें अच्छी लगती है और मैं भी अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं हुई अच्छी लगने के लाइक ओ वाहजा के बाद एक मैं ही हूँ जो हसी हूँ कुदरत ने वाकई आपको बहुत अच्छी चीजों से नवाजा है रुक जा, ओ दिल करती, है, है है, से रुकने की करती है तुम ना करो ये घायल हो उम्दा यही वाह क्या कमाल बात आपने। वैसे तो इस जहां में बहुत हैं हसी लेकिन मैं क्या कहूं मेरे बाद तू भी है हसीन वॉच तो मैंने काफी अच्छी पहनी है और कर मेरी मांग के लिए एक्सरे करवाना चाहिए आशिकों को मोहब्बत से पहले लड़की को भी और लड़की को स्पेशली तो बहुत, बहुत, अच्छा बहुत अच्छा खेला ना, मैं नाइस। नहीं मुझे लग रहा है आपकी वजह से क्यूँकी मैं जब भी गपशप भी करती थी ना होते हैं कुछ लोगों का और ऐसा होता है की उनके साथ बैठ के नेचुरली आप एक फ्लो में निकल रही होती है बातें सो मे बीट्स ऑफ यू थैंक यू थैंक यू ये इसकी खूबसूरत बात सिर्फ यही है कि जो इंसान बहुत प्यारा होता है बहुत बड़े दिल का होता है वही तारीफ करता है तो आपने अगर मेरी तारीफ़ की मैं बहुत इमोशनल हो गया <laughs> नहीं 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 है, पास नहीं। की मेरे पास शीशे की जरूरत थी मेरे आंसू भी नहीं है <laughs> नहीं। <laughs> तो अरम अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ईद में और क्या ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो हैं वो हम लोगों के साथ रिलेशनशिप में जब होते हैं या दोस्तों में आपस में भाइयों में या फैमिली में उस बॉन्ड को और मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए उस बॉन्ड को मज़ीद पक्का करने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले दरगुजर करना सीखें किसी की कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लग रही या आप एक तो एक्सपेक्टेशंस का जो आजकल सिलसिला शुरू हो चुका है जिससे रिश्तों में एक दरार सी आ जाती है या फिर एक ना दिल में जहर भरने लग जाता है और तीसरी चीज़ आपके दिल में जो आ रहे बोल दें उसको ना अंदर रखे यू नो बड़ा करें उस चीज़ को क्योंकि फिर वो जब फटता है लावा तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होता है तो ये दो तीन चीज़ें हैं कि अंडरस्टैंडिंग को इतना अच्छा कर लें कि आपको गुस्सा आ रहा है बोल के निकाल दें फिर आप वापस से नॉर्मल हो जाएंगे तो जब ये आजकल रिश्तों में अपनों में दोस्तों में या रिलेशनशिप्स भी आप देख लें उसमें ये चीज़ें हैं कि लोग साथ रहते रहते हैं रहते रहते हैं लेकिन दिलों में बातें रखते हैं और ऊपर से अच्छे बनते हैं तो वो जो एक मसनू अच्छापन है फेक वो ना रखें क्योंकि उससे रिश्ते की स्ट्रेंथ पिलर जो है ना वो कमज़ोर होने लगता है

आ, जब चीज चले जाती है हम खो देते हैं किसी चीज को फिर हम कहते हैं यार वो तो चले गया ये तो खत्म हो गया तो जाने से पहले यही है कि आप अपने अपनों को ना खोए अपने ईगो को बरकरार ना जो है ना वो ईगो के हारने से रिश्ते जीत जाते हैं ऐसा ही है तो कशिश जो है ना तब तक चीज की है जब तक पुला हासिल है जैसे ही वो मिलेगी ना आपको तो उसकी मे भी आपने आज एक नई शर्ट खरीदी है पहले दिन तो बहुत मजे से पहनेंगे शायद एक महीने बाद आप उसकी उसको देखें भी नहीं हाँ एक्जैक्टली सुनाए नए रिश्ते होते हैं लोगों को बड़ा मजा आ रहा होता है चीजें स्पाइस रहती हैं लेकिन बाद में फिर लोग यहाँ वहाँ फ्लिंग भी हल्का सा होता है तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब तो रिश्ता बोर हो गया तो ये आप दोनों की यू नो एक कलेक्टिव एफर्ट है उस चीज को मैंटेन रखना तो ये आजकल की जैसे अभी हमने बात की तो मेरे दिमाग में यू नो एक चीजें आती है इससे कि लोग आजकल बहुत ज्यादा डिस हो जाते हैं कि हम तो यू you नो know, हर जगह उनको कुछ ना कुछ ढूंढना है ऐसा नहीं है आप जिस चीज़ में हैं उसमें अपना हंड्रेड परसेंट वरना आप हमेशा यहाँ वहाँ दर बदर भटकते ही रहेंगे स्टिक टू वन थिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट नाइस आपने पता है एक हमारा जबरदस्त एक शो किया था अभी रमजान से पहले पी का जी पावर प्ले पावर प्ले, पावर प्ले और उसमें जो आपके शोज आप जो करके गई थी यहाँ से आपको अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली काम धंधे वाले लोग हैं आपको पता है बेचारे इधर से कभी इधर कभी इधर कभी उधर तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा एक स्पोर्ट्स शो को करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था एंड बहुत न्यू भी था बिकॉज गपशप तो जैसे मैंने आपके साथ किया था वो भी मेरे लिए बहुत नई सी चीज़ थी लेकिन आपकी छत्र छाया तले मैंने छत्र छाया कि आपके मतलब साथ रह हमने बहुत अच्छे से सीखा इम्प्रूव किया फ्लरिश किया और अगर मज़ीद काम करती तो उससे भी अच्छा होता जाता या यू नो इंसान देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट यानी कि मैंने सीख लिया मैं बेस्ट हो गई हूँ अभी भी जैसे मेरे लिए क्रिकेट बहुत न्यू था आपने बोला नहीं आप कर सकती हैं मैंने कहा ठीक है जब आपका इतना फेथ है मुझ में तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं यकीन कह वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट हैं आप मैं ये ऐसे नहीं कि आप मेरे सामने बैठी है जब आप नहीं होती तब भी मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ क्योंकि आपकी केमिस्ट्री मेरे साथ जो मैं कभी काम कैमरे के पीछे जब बैठता हूँ तो मेरा लुक सिर्फ आपको जाता है और आपके अंदर पता नहीं क्या एक ऐसी एनर्जी है कि आप उसको समझ जाती हैं और आप वही डिलीवर करती हैं जो मैं चाह रहा होता हूँ ये नेचुरली होता है ये सबके साथ नहीं आ पाती है ना exactly. exactly. दूसरे की बात समझ रहे दे, हाँ. की जो हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी या कनेक्शन ऑफ एनर्जी वो इतना स्ट्रांग है ना यकीन करें आपके साथ वो बड़ा मुझे पसंद आता है मैंने कहा यार ये कितना जबरदस्त एक बात है कि मैं भी सोच रहा था कि यार काश अभी इस वाले पॉइंट पे वाला जो बोल दे या इस तरह की बात कर दे तो से वही आता ना होगा यार ऊपर देखता हूँ मुझे लगता है क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत कनेक्ट करते हैं अगर जिनको नहीं पता तो हम बहुत सारी इस तरह की यू नो गुफ्तु करते हैं तो उस वजह से भी आप एक दूसरे को समझने लगते हो एक दूसरे की साइकोलॉजी आपको समझ में आने लगती है तो इसलिए हमारी यू नो एक ट्यूनिंग बैग चुकी है ऐसे कि कभी मुझे लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं हुई तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज समझाऊँ इसका ये वाला टेक दोबारा देंगे ये लाइन और बेस्ट दे सकते हैं तो मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में जहाँ पे एक दूसरे के साथ यू नो खुल के और कोई एटीट्यूड नहीं ज़ीरो ईगो प्लीज़ अपनी ईगो को ना फीड करें मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ आजकल जैसे हमारा रिश्ता है बहन भाई का हो गया या बीवी का हो गया या जो भी आपके रिश्ते हैं आपसी प्लीज अपनी ईगो को मत फीड करें क्योंकि अगर आपकी ईगो को फीड आप उसे खिलाते रहेंगे या आप उसे जिताते रहेंगे तो आपके रिश्तों रिश्ते हार जाएंगे और वो फिर कहीं पीछे रह जाएंगे तो क्या करेंगे आप तनहा ईगो के ऐसे ही ही ऐसे है अनम एक और बड़ा जबरदस्त इंकलाब आया था चले वो तो आपने माशा बड़ा अच्छा शो किया हमारा पावर प्ले जी आपको पता है आपके उस पिछली पॉडकास्ट की उसके बाद रिश्तों की लाइन लग गई क्या बात कर रहे हैं नहीं नहीं कहा कि ये जो खातून आपने बिठाई थी अपने सामने जो पावर प्ले में और जो पॉडकास्ट में आपको लोगों ने देखा आपने पिछली बार एक हवा छोड़ी भी थी कि हाँ, हाँ, शादी हाँ, करनी है रिश्ता <laughs> करना है ईद का मौका है दस्तूर है तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये जो इतने चाहने वाले बर्ड हैं उनके बारे में उनको मैं क्या जाके जवाब दूँगी भाई क्या करना सैनिटाइज करवाएं खुद को ज्यादा ना पड़े नहीं क्या इरादा है शादी का भैया अब वो कह रहे हैं कह रहे हैं, हम तो राइटिंग शादी करने के लिए रिश्ते भी माशा कोई करीब उनहत्तर रिश्ते तो आ गए आप पैसे आ लेंगे <laughs> <laughs> नहीं, नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ लेकिन लेकिन ये बात भी ठीक ठीक थी है भैया पैसा मैं नहीं कमा सकती आपको ही कमाना पड़ेगा मुझे आराम चाहिए ओह <laughs> इस साल में निमटने का शौक है कि इस साल हम इस 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 काम को तो, इस कारे को तो तो खैर कर दे। आ, यार लेकिन जोक से पार्ट मैं ये कह रही थी कि आ, हम कितना भी प्लान कर लेना लाइफ में चीजों को वो तो वही जो अल्लाह का प्लान होता है exactly. मैंने तो बहुत बार सोचा शादी कर दी लेकिन हो ही नहीं पा रही क्योंकि मुझे लगता है जब लिखी है वक्त पे तभी होगी तो और जो वक्त लिख के बैठे हैं उनका क्या करना है

तो दोस्तों जो भी अनम से अनम को अपनी शरीक वाहियात बनाना चाहते सॉरी <laughs> मैं अपने जुमले को दोबारा कह दूं जो अनम को शरीक हयात बनाना चाहते मैंने वाहियात अच्छा। <laughs> तो शरीक हयात बनाना चाहते अनम को तो अनम से अनम यही कहती है, वो नहीं कर रही है अब क्या फायदा होगा शादी के बाद हम गुर्बत की जिंदगी जी वो यही कहती है थोड़ा पैसा वैसे कमा लें थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए कम अज कम जहाँ पे मॉल्स में इतने बड़े -बड़े से, कहीं से कुछ छोटा मोटा ब्रांड से कुछ खरीदे क्यों बड़ा खरीदेंगे ऐसी रैंडम बात कर रहा हूँ जी बड़ा बिलीनियर मिली बंदा है शादी हो गई ठीक है और आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है अब पैसा तो आ गया आपके पास

What is love for you? Love for me is loyalty, mm -hmm. understanding. compassionate होने चाहिए आप एक दूसरे के लिए मतलब ये नहीं कि पहले दिन जो इंटरेस्ट हो दसवें साल में मर गया और अब मुझे किसी और में लग रहा है मैं चाहती हूँ आफ्टर थर्टी इयर्स भी मुझे मैं उसे उसी निगाह से देखूं जैसे मैं उसको पहले दिन देख रही थी इवन मतलब सेम वाइस वो देखा तो चेंज हो सकते हैं हम <laughs> तो वो तो चेंज तो हो जाएगी ना जब फिर

लेकिन उसका प्यार मेरे लिए वैसे ही रहना चाहिए तो इस शिदत की मोहब्बत मुझे चाहिए चले मस्ती मजाक तो अपनी जगह पैसा भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वी विल नॉट दैट लेकिन प्यार बहुत जरूरी है और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहे वो कहीं और नहीं जा सकता सही बात है वो मार्केट में दही लेने भी नहीं जा सकता वो कहीं <laughs> नहीं जा सकता वो इसी कमरे में बंद करके करके ना बिल्कुल एक, एक रखेंगी ऑप्शेशन होना चाहिए प्यार में यानी कि आप कहीं लगे हुए हो ऑब्सेशन ऑब्सेशन होना चाहिए से आप इंसान कैदी बनाते हैं मेरा ही है

करना चाहें तो बहुत शिद्दत और मन से लगन से चाहत से प्यार करते हैं लेकिन एज डिफरेंस का को लेकर ऐसा कुछ नहीं है एज इज़ जस्ट अ नंबर इंसान Mature होना चाहिए, चाहिए। सेंसिबल हो, हो, तो, हो। अच्छा हो। अच्छा हो, हो। तो चलो ह्यूमर अलग चीज है इंटेलिजेंट हो इंटेलेक्चुअल हो उसको हसाना भी जो है ना आर्ट है वो इंटेलिजेंट बंदा ही कर सकताल्टल्ड exactly. किसी को हसाना एक होता है ना फजूल हसाना हाँ वो नहीं वो चीज़ जो एक्चुअल हाँ, कहते है, कहते जी मजा आता है क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको थोड़ा बहुत लाइटर नोट पे रखता है ना तो आप कहीं कही ना कहीं ईज रहते हैं कि यार अच्छा है ना चलो ये आएगा थोड़ा लाफ्टर होगा थोड़ा मस्ती आएगी डिनर पे कुछ बात कर लेंगे

इन माय ओपिनियन नहीं दोनों को एक जैसा होना चाहिए hmm. तो नहीं तो एक अपना यू you नो know, डाल रहा है एफर्ट, एफर्ट दूसरा हमेशा चुप रहता है hmm. तो कैसे चलेगा मतलब एक का एनर्जी जा रहा है hmm. दूसरा कुछ भी उसमें अपना नहीं दे रहा है इनपुट आई थिंकेंट नहीं आएगा कम्पैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ए, सेम ही थॉट के रखे दोनों लोग कंपेटिबिलिटी का मतलब ही यही है कि एक अगर खामोश है और दूसरा अगर बहुत बोलने वाला है ना तो एक तवाजन बरकरार रहेगा हाँ, अगर दोनों ही बोलने वाले हैं ना हाँ, तो वो वो तो तो फिर वो कम्पेटेबिलिटी नहीं है वो फिर ये होगा कि यार उसकी कोई नहीं सुन रहा वो बोल रहा है तो कम्पेटेबिलिटी है कि जिसको सुनने की आदत हो वो बोलने वाले से शादी करे जिसको बोलने की आदत हो वो सुनने वाले से शादी करेटिबिलिटी शौक ही नहीं है अगर मिसाल के लड़की बहुत बोलने वाली तो लड़की उसको सुनने में अच्छा लगता है अच्छा ठीक है ओके ये देख

कि यार साथ रहे कैसे शक्लें देने लगी ट्रांसफोरेशन हो रही होती है ना बहुत सारी चीजों की मेरी थॉट्स का इंप्रेशंस का एनर्जीज हाँ. का yes. होता है

और अच्छा अच्छा तो माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी गुजरी और को आपने चार चांद लगा दी है इस पॉडकास्ट में आके यकीन करें पता ही नहीं चला वक्त कैसे जो है ना वो गुजरा और ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने वक्त निकाला और थैंक यू अगेन कि आपने वाकई क्वालिटी टाइम अपना ईद के टाइम दिया है वो कहते हैं ना मैंने हमेशा एक बात कही है कि, कि किसी को गिफ्ट देना हो खूबसूरत तो उसको अपना वक्त क्यों yes. तो आपने हमें वक्त दिया अल्लाह आपको बहुत कुछ दे हम तो यही कह सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करूँगा कि फिर कभी आपका पाकिस्तान आना हो इन तो भी प्लीज़ कम टू पाकिस्तान एंड दोबारा पॉडकास्ट में आए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है पिछली पॉडकास्ट का जो फीडबैक भी मैंने आपको दिया लड़कों के फीडबैक भी आपको दिए कि लड़के तो पागल हुए हैं हम सूफी के प्यार में तो जब वक्त हुआ है खत्म तो अगर आप ईद के हवाले से आप ऐसी जनरल कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को तो बी योर सेल्फ ये मैं सबको बोल रही हूँ कि आप जैसे हैं किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है जो आपसे सच में प्यार करता तो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा आपकी हर फ्लॉ को वो अपनाएगा बल्कि उसको उसको आपकी हर चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी कि आपको खुद में कोई ऐब नहीं नज़र आएगा तो पहले तो आप ये मत सोचें कि मैं ऐसी हो जाती हूँ मैं ये करवा लेती हूँ और ये लड़कों के लिए भी आप जैसे हैं वैसे ही रहें जो आपका है वो आपके साथ वैसे ही रहेगा और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ हम सुनते हैं न्यू न्यू वायरसेस आते रहते हैं तो अपनी प्लीज़ जो भी बूस्टर है वो सब ख्याल रखें अपनी डाइट का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें खुद से प्यार करेंगे तो ही दूसरों को प्यार बांट पाएंगे सो फर्स्ट लव योर सेल्फ एंड देन गिव लव टू अदर्स खाली होंगे तो कैसे दूसरों को प्यार देंगे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी वेल सेट बेहतरीन कमाल कर दिया बहुत अच्छी एडवाइस दी दोस्तों बांध लें इनकी एडवाइस को गिरा ठीक है अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ईद अगेन बहुत बहुत मुबारक लव यू ऑल अल्लाह हाफिज़